शहनाज करगिल अपने फैंस के साथ लगातार इंटरेक्शन कर रही है और इसी बीच में शहनाज ने एक और स्टोरी साझा की है जहां शहनाज करगिल गोल्डन टेंपल में नजर आ रही हैं। जी हां, जैसा कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि शहनाज करगिल को हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था और जब उनसे सवाल किया गया कि आप जा कहां रही हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं नहीं बता रही। लेकिन अब खुद शहनाज करगिल ने रिवील कर दिया है कि शहनाज करगिल कहां पहुंची है और क्या कर रही है। जी हाँ, शहनाज करगिल अमृतसर पहुंच गई है गोल्डन टेंपल में, जहां पर उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है अपनी अच्छे भविष्य के लिए और साथ ही में लोगों जो उनके करीब है उनके लिए भी वो यहाँ पर प्रार्थना करती नजर आई है। जी हाँ, शहनाज करगिल ईश्वर में बेहद आस्था रखती हैं, वो पहले भी बता चुकी हैं क्योंकि वो कहती नजर आती हैं कि हम यहाँ सिर्फ आत्माएं हैं और हमें परमात्मा में ही विलीन हो जाना है। ये सब कहना होता है शहनाज करगिल का और अब वो गोल्डन टेंपल पहुंची है और यहां अरदास करती नजर आ रही है। आप इनमें देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत नजर आ रही है शहनाज करगिल। चेहरे पर वो शांति नजर आती है, जिस प्रकार का कामनेस उनके चेहरे पर नजर आ रहा है वो दिखाई पड़ता है कि शहनाज करगिल यहां पर रखकर कितना बेहतरीन महसूस कर रही है। वेल, शहनाज करगिल की इस नई स्टोरी पर आप लोगों का क्या कहना है, क्या राय है और शहनाज के विचारों से आप कितना वाकिफ रखते हैं बताइएगा जरूर। और इसी तरह से हर एक अपडेट को जानने के लिए चैनल के साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।